हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बिना टमाटर की मोमो चटनी। हाँ जी, बिना टमाटर की मोमो चटनी। अगर आपने एक बार इस तरीके से चटनी बना लिया तो आप बार बार इसी तरीके से बनाएंगे। और वीडियो को फुल वॉच करना, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बना है ये चटनी, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना और वीडियो को फुल वॉच करना। यहाँ पर हमने लिया है लाल मिर्ची, तो लाल मिर्ची हमने वही लिया है जो सब्जियों में हम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम तोड़ ले रहे हैं, और इसकी जो सूखी टहनियाँ हैं इसे भी हम निकाल देंगे, इसकी जो ढेप है इसे भी हम निकाल देंगे। और बीज से तोड़कर इसकी जो बीज है हम इसे अलग कर देंगे। बीज को हमें नहीं लेना है, थोड़े बहुत बीज अगर आ जाते हैं तो कोई बात नहीं, ले लेंगे उसे हम। तो आप 10-20-25 मिर्ची आप ले लेना इस तरीके से, और दो टुकड़े में करके उसके सारे बीज निकाल देना। और यहाँ पर हमने गैस को ऑन कर लिया है और रख दिया गैस पर इसे। और फ्रेंड्स, इसमें हमने लिया है 100 ग्राम पानी डाल दिया, क्योंकि हमें इसे बॉईल करना है। तो 5 मिनट के लिए इसे हम ढक देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये मिर्ची बॉईल हो चुका है। तो यहाँ पर हमने मिक्सी का जार लिया है और सारी मिर्ची को हम इसमें डाल देंगे, और इसका जो पानी है उसे फेंकेंगे नहीं, आगे हम यूज़ कर लेंगे। और फ्रेंड्स, याद रखना है कि मिर्ची हम बिल्कुल ठंडा कर लेंगे तब पीसेंगे, गरम गरम नहीं पीसना है। और देखिए फ्रेंड्स, हमने अच्छे से पेस्ट बना लिया है और बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका। और यहाँ पर हम चढ़ाएंगे पैन, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, और इसे हम गर्म होने देंगे। 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट है ये, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, पका लेंगे मतलब। ये जो पेस्ट है अदरक लहसुन का, इसे हमें लाल नहीं करना है, सिर्फ पकाना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और धीमी आंच पर इसे हम पका लिया है फ्रेंड्स। और इसी पर हम डाल रहे हैं वो मिर्ची जो हमने पीसा था मिक्सी में। और इसे भी हम चला देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे, और इसी पर हम ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच टमाटो सॉस, 2 चम्मच के करीब विनेगर ऐड कर रहे हैं, और हम इन सबको अच्छे से मिला देंगे। बहुत ही अच्छा कलर आया है, आप देख पा रहे हैं। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। जिस जार में हमने पीसा था उसमें भी पानी डाल के अच्छे से इसमें पानी डाल दिया है चटनी में, और 1 कटोरी पानी मैंने और ऐड किया है इसमें। पानी आप थोड़ा और ज़्यादा डाल सकते हैं। और इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने छोटी कटोरी में 2 चम्मच पानी लिया है, और इसमें मैंने 1/2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला है। आप यहाँ पर आरारोट भी ले सकते हैं। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इस चटनी में हम ऐड कर लेंगे, इससे अच्छी सी गाढ़ापन आ जाएगा इस चटनी में। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 उबाल आने देंगे। आप यहाँ पर कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने कलर नहीं डाला है क्योंकि बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 चुटकी के करीब अजीनोमोटो, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इच्छा है तो डालिए, नहीं तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। पर अजीनोमोटो डालने से ही मोमो चटनी का टेस्ट आता है। और मैंने नमक ऐड कर दिया है थोड़ा सा, बिल्कुल स्वाद अनुसार, और हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और 1 उबाल हमारा आ गया है, बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है चटनी का, आप देख पा रहे हैं। तो बिल्कुल अब हमारी चटनी बनकर रेडी है, आप इसे सर्व करिए मोमो चटनी के साथ। बहुत ही अमेजिंग चटनी बनी है, बहुत ही टेस्टी, बिना टमाटर की। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने फ्रेंडों में शेयर करना, और आप बताना कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।